स्टार डेल्टा मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक नेटवर्क में स्टार किसे बोलते हैं, स्टार इस डायग्राम को स्टार बोलते हैं, मतलब अगर तीन रेजिस्टेंसेस इस शेप में इसको स्टार बोलते हैं, डेल्टा किसे बोलते हैं, इस ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, स्टार डेल्टा। मुझे क्या करना है, मुझे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, मींस मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये और ये इक्विवेलेंट हैं तो उस केस में आपकी इनके बीच में रिलेशन क्या होगा वो समझते हैं। आपको थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूं, जो करने वाली चीज है एंड में बताऊंगा, बस आपने वो करना है। ये थ्योरी सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो क्या करना है, सपोज करो ये दोनों डायग्राम्स इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, ठीक, और मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, आर ए आर बी और आर सी की इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री टर्म्स। तो एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर दो पॉइंट लेता हूं ए एंड बी और आपसे पूछता हूं ए और बी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आर ए प्लस आर बी, आप आर सी नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि लूज वायर में करंट जाता ही नहीं, क्योंकि यहां से करंट यहां जाएगा, यहां तो जाएगा ही नहीं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर ए प्लस आर बी। और अगर मैं वही पॉइंट यहां लूं ए एंड बी और आपसे कहूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो क्या करोगे, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, और अगर आपने इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाना है तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, सेम। ये देखो यही किया, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम कर दी। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट बी और सी में लगाया, तो जब बी और सी पॉइंट लिए तो बी और सी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, आर बी प्लस आर सी, और यहां से बी और सी में क्या होगा, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास ये टर्म आ गई, और सिमिलरली क्या किया, आर सी और आर ए में, मान लो आपने कर लिया। ये करने के बाद इनको साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व किया तो आपके पास आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कैसे, इसको याद नहीं करना आपने, ये वैल्यू कैसे लिखनी है, इसका एक शॉर्टकट है। तो जैसे सपोज मेरे को ये स्टार, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये डायग्राम ट्रायंगल गिवन होगा, और मुझे इसको देखते हुए आर ए निकालना है, तो आर ए की वैल्यू पता है क्या होगी, ए पॉइंट को ढूंढ लिया तो आर ए विल बी इक्वल टू ए पॉइंट के इधर और इधर जो भी रेजिस्टेंसेज हैं इन्हें मल्टीप्लाई करो। ये मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज, दैट इज आर ऑफ ए बी प्लस आर ऑफ बी सी प्लस आर ऑफ सी ए। जैसे कोई कहे कि मुझे आर बी निकाल के दिखाओ, तो आर बी बी पॉइंट ले लें, आर ऑफ बी विल बी इक्वल टू यहां और यहां की रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर कोई कहे आर सी निकाल के दिखाओ, दिस इनटू दिस अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ये थ्योरी है जो हमने करनी नहीं है, हमने क्या करना है, हमने सीधा न्यूमेरिकल करना है। मान लो ये न्यूमेरिकल आपके पास आ गया और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो आपको इसमें डेल्टा दिख रहा होगा, डेल्टा का मतलब ट्राइंगल। ये देखो ये रहा आपका एक डेल्टा, देख रहे हो डेल्टा। मैं क्या करूंगा, इस डेल्टा में से निकालूंगा स्टार। कैसे, मैंने क्या सिखाया था, स्टार ऐसा दिखता है, तो इमेजिन करो कि ये एक स्टार है, ये देखो एक वायर यहां जाके रुकेगी, एक यहां और एक यहां। तो अगर मैंने इस ट्राइंगल को इसमें कन्वर्ट कर दिया तो मुझे ट्राइंगल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट डायग्राम है वो। तो मैं कैसे लूंगा, ये ध्यान से देखना, इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, क्योंकि इसने यहां कनेक्ट होना है, तो इसकी रेजिस्टेंस होगी 2 into 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5 आंसर। अच्छा, इसने कहां कनेक्ट होना है, यहां पे, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 2 into 3 डिवाइडेड बाय 2 plus 3 plus 5। फिर इसने यहां कनेक्ट होना है, तो 5 into 3 डिवाइडेड बाय 5 plus 2 plus 3, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये तीन रेजिस्टेंसेज आपके पास आ गई, तो ये तीन रेजिस्टेंसेज आ गई,
ये लो, तो ये तीन रेजिस्टेंसेस आपके पास आ गई। एक काम करो, इक्विवेलेंट डायग्राम ध्यान से देखना, इन तीनों को हटा दो, ट्रायंगल हटा दो, डेल्टा हटा दो, स्टार लगा दो, इसकी जगह ये जोड़ दो, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी जगह ये जोड़ दो, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5, और इसकी जगह यहां पे क्या जोड़ दो 0.6। ध्यान से, ये ट्रायंगल हट गया, ये तीन रेजिस्टेंसेस आ गई। देखो क्वेश्चन इजी हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, आंसर है कि नहीं कमाल की चीज। तो जहां, सिर्फ यही नहीं, जहां जहां आज के बाद आपको ट्राइंगल दिख जाए वहां का तो तोड़ तो आ ही गया, कुछ करना ही नहीं है, स्टार डेल्टा लगा के बाहर आ जाओगे, ना सीरीज ना पैरेलल। देखो ये रहा क्वेश्चन, 15 5 5 15, ये बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे कोई भी एक, एक ट्राइंगल ले लो, ये बन गया इसमें स्टार, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 15 × 5 / 15 + 5 + 5, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 × 5 / 5 + 15 + 5, इसकी वैल्यू क्या होगी 15 × 5 / 15 + 5 + 5, तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, कर लोगे सॉल्व आंसर।